दोस्तों नमस्कार। एक वीडियो देखो हम आपके लिए लाए हैं। पहले हम आपको इसके वोल्टेज चेक कराएंगे और वोल्टेज चेक कराने के बाद में पता लगाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो मैं पहले इसके वोल्टेज चेक कर लेता हूं। सबसे पहले देखो इसकी ये स्टैंड वाई में है और मैं इसे स्टैंड वाई से बाहर ले जाऊंगा। ये स्टैंड वाई में चला गया है। अब इसकी देखो यहाँ बैक लाइट भी जलने लग गई है। तो बैक लाइट जलने के बाद में हम देखेंगे कि इसके आगे कौन सी पोजीशन है और क्या पोजीशन है, इसकी पिक्चर कैसी बन रही है। तो देखो दोस्तों कोई पिक्चर नहीं है इसकी। अब इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इसकी देखो बैक लाइट इसकी जलने लग गई है और आगे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसके वोल्टेज जो हैं यहाँ ये वोल्टेज देखेंगे कि ये वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो मैं पहले मीटर को 20 वोल्ट पे कर लेता हूँ। देखो इसके 12 वोल्ट मिल रहे हैं दोस्तों, 12 वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं हमारे। अब यहाँ से जो LVDS के द्वारा ये वोल्टेज यहाँ जो रेड तार दिखाई दे रहे हैं लाल तार, तो ये वोल्टेज यहाँ आएंगे। देखो ये भी 12 वोल्ट यहाँ भी मिल रहे हैं हमें। अब 12 वोल्ट बनने के बाद में देखो यहाँ एक फ्यूज लगा रहता है इस जगह पर, ये फ्यूज भी हमारा ठीक ही है, फ्यूज सही है ये। अब यहाँ हमें देखना है कि ये वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। देखो दोस्तों ये वोल्टेज कुछ नहीं है यहाँ, और देखो यहाँ और देख लेते हैं, ये भी वोल्टेज यहाँ 3.5 वोल्ट मिल रहे हैं। और यहाँ देखते हैं देखो BGL में ये भी वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। और देखो यहाँ BCOM लिखा हुआ है इस जगह पे BCOM, तो ये भी वोल्टेज नहीं है। अब ये दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज हमारे कोई भी वोल्टेज इसमें नहीं मिल रहा है। अब दो तरीके हैं इसके चालू करने के, या तो हम इसी को सही करें, हमारे पास इसका सामान है तो हम इसी को सही करें, या फिर इस पर एक मॉड्यूल भी लगा सकते हैं। तो पहले हम इसे जल्दी देखने के लिए कि हमारा सेट ऑन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो मैं सबसे पहले इस पर एक मॉड्यूल लगाऊंगा और वो लगा करके देखूँगा कि ये हमारा सेट ऑन हो सकता है, ओके हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो ये 3.3 वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं, 3.2 वोल्ट 7 है, मतलब 3.3 वोल्ट समझो, इसे 3.3 वोल्ट ही हैं ये मिल रहे हैं और हमारे कोई कहीं कुछ वोल्टेज नहीं है इसमें। ये भी वोल्टेज देख लेते हैं दोस्तों, देखो ये 3.3 वोल्ट, ये 1.8 वोल्ट। देखो यहाँ टीकॉन आईसी के लिए, ये टीकॉन आईसी लगी हुई, तो इसके लिए ये वोल्टेज हैं। यहाँ भी देख लेते हैं, देखो ये भी, ये रैम हमारी जो मेमोरी आईसी लगी हुई इसके लिए, ये यहाँ भी वोल्टेज मिल रहे हैं। देखो ये भी वोल्टेज मिल रहे हैं, तो यहाँ इधर तो वोल्टेज हमारे सारे मिल रहे हैं, मगर ये डीसी टू डीसी आईसी हमारी काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो ये मॉड्यूल कोशिश करेंगे इसे लगाने की और कोशिश करेंगे कि ये हमारा मॉड्यूल लग जाए। लग जाएगा तो हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों ये मॉड्यूल है, ये पहले मैंने लगाया था तो इसका एक तार रह गया इस पर, मगर ये अब मैं इस पर फिर लगाने जा रहा हूँ। देखो ये, तो दोस्तों देखो ये मॉड्यूल हम इस पर लगाने जा रहे हैं। तो इसको लगाने के लिए देखो सबसे पहले हमें इन वोल्टेज चाहिए, तो इन वोल्टेज इसमें देंगे 12 वोल्ट इसमें देंगे। तो 12 वोल्ट देने के बाद में दोस्तों यहाँ देखो दिखाई दे रहे होंगे पॉइंट, देखो इस पर GND लिखा हुआ है, तो ये ग्राउंड है, फिर लिखा हुआ है VH यानी BGH है ये, फिर लिखा हुआ है इस पर ABDD, फिर लिखा हुआ है इस पर BCOM और इस इधर लिखा हुआ है BGL। तो ये हमारे कनेक्शन है, तो इन कनेक्शन को करके देखते हैं दोस्तों।
कि हमारा इस एलईडी में क्या रिजल्ट आता है, तो मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ और कनेक्शन करने के फिर आपको बताते हैं कि क्या पोजीशन आती है। जो इन वोल्ट आते हैं हमारे 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट प्लस, और मैं इसे ग्राउंड यहीं कर लेता हूँ। जी मैंने ग्राउंड कर दिया, अब मैं एक बार चेक और कर लेता हूँ कि ग्राउंड हुआ है कि नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि ये ग्राउंड नहीं रहता है, तो फिर तो मैं इसे एक बार और देख लेता हूँ। दोस्तों देखो ग्राउंड है, ये मदरबोर्ड से भी देख लिया है मैंने इसको, और देखो यहाँ से भी देख लिया, ये ग्राउंड है और ये हमारा पॉजिटिव हो गया 12 वोल्ट। अब हम यहाँ चले जाते हैं दोस्तों, पहले हम BGL ले लेते हैं। BGL देखो, अब हम BGL देखो दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे, यहाँ जो BGL लिखा हुआ है इस जगह पे हम BGL लगा देते हैं। ये हमारा BGL हो गया। अब दोस्तों BGL के बाद लगाएंगे हम, देखो लिखा हुआ है AVDD, जो इसका ब्लैक तार है वो AVDD का है, तो AVDD हम इस जगह पे दे देते हैं। अब ये तुम्हारा आ जाता है, अरे नहीं 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 AVDD सही है, और ये है अब BCOM हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो देखो BCOM इस जगह पे दिखाई दे रहा है, देखो थोड़ा सा बड़ा है इसको कट कर लेता हूँ। ये हमारा BCOM है, ये हमारा BCOM है देखो इस जगह पे, अब BCOM के बाद देखो ये हमारा रह जाता है, ये BGH, तो मैं थोड़ा सा इसको भी कट कर लेता हूँ। देखो BGH इस जगह पे लिखा हुआ आ रहा, दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे है, ये BGH है। और दोस्तों मैंने कनेक्शन तो सारे कर दिए हैं, देखो मैंने ये कनेक्शन कर दिए हैं, और मैंने इन कनेक्शनों को यहाँ एक किसी ये ज़्यादा फैल रहे थे इसलिए मैंने इसको से एक बार लाइन दे करके देखता हूँ ये किस पोजीशन में है, तो मैं एक बार और देख लेता हूँ कि ऐसा नहीं हो। BGL, BGH, BCOM, AVDD ये सारे हमारे कनेक्शन सही हो गए हैं। अब मैं इसे वोल्टेज देख के देखता हूँ कि वोल्टेज किस तरीके से काम करते हैं दोस्तों। अब इसे ऑन करता हूँ, यहाँ से ऑन करता हूँ, ऑन हो गई है हमारी LED, और देखो बैक लाइट जली। अब मैं ये वोल्टेज एक बार और चेक कर लेता हूँ कि वोल्टेज हमारे मिल रहे हैं यहाँ या नहीं मिल रहे हैं। देखो BGL,
और दोस्तों देखो अभी हमारे हमने करेक्शन कर दिए, तो हम वोल्टेज एक बार और चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट के बाद देखो ABDD, यहाँ ABDD 12 वोल्ट, चलो ठीक है। देखो ये BCOM और ये BGH और ये BGL और ABDD हमारी, देखो देख लेते हैं ABDD भी। देखिए भैया जाए कल तो मैं, तो दोस्तों देखो अब हम देखते हैं, देखो हमारा सेट ओके हो गया है और नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों। तो ये हमने इस मॉड्यूल से ओके कर दिया है दोस्तों। और वीडियो पूरी देखना, देखोगे जब ही समझ में आएगा कि हम किस तरीके से ये वीडियो बनाई है, और आप जब ही आप समझ पाओगे किस तरीके से हमें ये मॉड्यूल लगाना है।